दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसपी हेल्प टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक मिनट के अंदर सीखने वाले हैं, क्या एक मिनट लगेगा उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, बस आप लोग ध्यान से सीख लीजिएगा कि आप अपने बीओबी एटीएम से पैसा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप काफ़ी छोटी छोटी चीज़ सीख जाएंगे, जैसे कि एटीएम कार्ड के डालने की जो डायरेक्शन क्या है आप भूलेंगे नहीं, वो चीज़ बता दूंगा मैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होगी तो पर्सनल मैंने एक इसी पर 2-4 मिनट का वीडियो बनाया है कि एटीएम कार्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उस वीडियो में आप देख सकते हैं, ट्रिक भी मैंने बताया है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कार्ड को किस डायरेक्शन में डालना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम अपना सीख लेते हैं कि हम अपने बीओबी और ऐसे सारे आपको प्रोसेस एकदम समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से समझिए। तो बीओबी एटीएम से हम पैसा कैसे निकाल सकते हैं, हिंदी भाषा में मैंने एक वीडियो बनाया है हिंदी में, जिसको अपना पैसे का लेन देन या निकालना है, ये तो इंग्लिश में मैं बताऊंगा, हिंदी वाले अपना अलग वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, ठीक है। तो कार्ड कैसे आपको डालना है देख लीजिए, जो आपके नीचे पट्टी होती है वो जहाँ पर लास्ट एंड होती है उधर साइड आपको हाथ रखना है, ये देखिए पूरी जानकारी वाला एटीएम देख लीजिए, ऐसे ऊपर रहेगा, इस प्रकार से आपको एंटर करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग कार्ड एंटर करेंगे तो प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन इज बिगिन प्रोसेस्ड, ये प्रोसेस बता रहा है, आप देखिए जैसा जैसा आता है मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। बाकी ये गांव का एटीएम है, स्क्रीन है तो स्क्रीन पर टच कर सकते हैं, नहीं उसके बटन बगल वाली, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश के बगल वाली आप बटन क्लिक कर दीजिए, स्क्रीन होता तो स्क्रीन हम क्लिक करते, ठीक है। अब देखिए इंटर पिन, तो इंटर पिन के बगल वाली आप बटन क्लिक कर दीजिए, ठीक है, इंटर पिन के बगल वाली हम। अब अपना क्या करिए, सीधा सा अपना पिन जो है आपका एटीएम का पिन जो डिजिट का है उसको आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भाई स्क्रीन टच एटीएम नहीं है, बाकी जिसका स्क्रीन टच होगा तो वो अपना स्क्रीन पे करके टच करके पूरा चीज़ कर सकता है, ठीक है। अब आपको पैसा निकालने के लिए ऑप्शन क्या है, विथड्रॉल, विथड्रॉल के बगल वाला ऑप्शन पैसा निकालने के लिए होता है विथड्रॉल, तो विथड्रॉल के बगल वाली बटन आप जो दबाएंगे, मेरा सेविंग अकाउंट है जो आपका है डाल दीजिए, सेविंग है मैंने सेविंग के बगल वाला बटन दाब दिया क्योंकि मेरा बचत खाता सेविंग अकाउंट था, कितना पैसा निकालना है बोल रहा है तो मुझे 500 निकालना है, आपको देखे दिखाने के लिए मैंने 500 इंटर कर दीजिए। अब क्या बोल रहा है, सही करेक्ट, मतलब इतना ही निकालना है, तो करेक्ट के बगल वाली फिर से आपने बटन दबा दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्लीज वेट योर ट्रांजेक्शन बिगिन प्रोसेस्ड, अब ये इसमें मशीन कुछ आवाज करती है पैसा गिनने जैसा, आप देखिए पैसा आपका तुरंत इस प्रकार से निकल आएगा, अभी ध्यान से देखिए नीचे पैसा, ये देखिए हमारा 500 निकल आया। अब दोस्तों आप लोग कुछ चीज़ हमेशा ध्यान दिया करिए, अगर आपने एटीएम ज़्यादा नहीं यूज किया है तो एटीएम में पैसा निकालने के बाद आप वहाँ से एटीएम कार्ड अपना लेने के बाद तभी वहाँ से आप आइए, जबकि आप एटीएम बॉक्स जो कार्ड बॉक्स है उसके नीचे हरी बत्ती ये देख लीजिए एरो वाली तीर जब तक ना जल जाए आपको वहाँ से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सावधानी है, सावधानी ही जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है, देखिए वो एरो वाली तीर अब नीचे जल गई है, तो आप वहाँ से उसको देखने के बाद ही वहाँ से अपना कार्ड लेके आएँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करिए, और मान लीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, कोई सलाह सुझाव जो भी मन में आपके भावना हो उसको कमेंट में जरूर कमेंट किया करिए, जो भी आपके मन की भावना हो उसको कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर जानकारी किसी को देना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ जिसको देना चाहते हैं तो आप जागरूक करना चाहते हैं तो वीडियो जैसी आपकी इच्छा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और अगर हमारे चैनल की आप वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सीधी सी बात चैनल को सब्सक्राइब करके आल वाली घंटी दबा लीजिएगा जैसी आपकी इच्छा। तो दोस्तों मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।